अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो भाई लोग, गोगो ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे 2.1 की अपडेट्स, कौन से उम्र से 2.1 में अपडेट्स आने वाली है सब वीडियो में बताऊंगा। तो जो भाई चैनल पे नहीं हो तो प्लीज काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते अपने वीडियो की जानिब। तो यार पहले नंबर पे तो ये बताओ, मंथ 11 रॉयल पास का वो कौन कौन से बंदे को पसंद आया, किस बंदे को नहीं पसंद आया, मुझे कमेंट में बताना। तो पहले फीचर की हम बात करें, पहला फीचर हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमारे पास एक न्यू टीडीएम आ रहा है, जैसे लाइक टीडीएम कन्फेक्शन जो होता है इस टाइप का हमारे पास आ रहा है। ये गेम ऑफ पीस का मतलब है, ये मोड है, ये पर गेम ऑफ पीस में आ चुका है। इस टाइप का हमारा टीडीएम इसको बोल सकते हैं, मतलब ये टीडीएम की तरह प्ले हो, जैसे हमारे पास इन्फेक्शन के काफ़ी मोड है ना, मतलब गन लैब हो गया, लाइब्रेरी टाइप, इस टाइप का हमारे पास ये आने वाला है। तो इसके बाद मोस्टर होंगे छोटे कुछ होंगे ये चाइनीज वर्जन में, तो इससे आप फाइट करके मतलब ये मजे ले सकते हो। तो ये पबजी में 2.0 में भी हमारे पास आ सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये गेम ऑफ पीस का, आपको पता है गेम ऑफ पीस में जो मतलब आते हैं तो इसमें पबजी में भी आ जाते हैं। तो कैसा लगा ये फीचर? नेक्स्ट फीचर बहुत मजे का होने वाला है, क्योंकि अगर आप चाहते हो यार एरोप्लेन उड़ाना, भाई साहब मजाक नहीं कर एरोप्लेन उड़ाना, मगर आप खुद का एरोप्लेन पबजी में उड़ा सकते हो भाई कैसे? आपने जब ये 2.1 के अपडेट में जैसे आपको मतलब फीचर आएगा, आपको यह प्लेन नज़र आएगा, तो इसे आप जब इंटर होंगे तो यहाँ पर ट्राई का ऑप्शन करेंगे, तो ये हमें आप इसको उड़ा के भी ले जा सकते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में भी कवर किया था मतलब। तो इसके बाद हमारे पास आ रही है भाई साहब लेनेक्स, हमारे पास एक गन आ रही ये स्नाइपर टाइप की, भाई साहब इसका बहुत ज़्यादा डैमेज होने वाला है, ये हमें सिर्फ ड्रॉप में मिलने वाली है, ऐसे नहीं होगा तो मिलेगी। तो भाई साहब इसे एक बुलेट से हेडशॉट, जैसे ओम बोल सकते हैं ना, इस टाइप का मतलब ये होगा, एक बंदे से मतलब गया। नेक्स्ट फीचर बहुत ज़्यादा मजे को लेने वाला, जब आप लैंडिंग करेंगे तो पैराशूट जो हमारा है थोड़ी देर के लिए मतलब ज़मीन पर गएगा, और ये एनिमेशन होगा ये आपको मैं फिर बता दूँ। ये हम उतरे पैराशूट मतलब थोड़ी देर का और ऑटोमेटिकली बूम गायब हो जाएगा, मतलब ये अच्छा फीचर है, थोड़ा सा एनिमेशन होगा। एंड नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करें, नेक्स्ट फीचर हमारे पास आ रही है एरो टाइप का गन, में क्रॉसबो टाइप का होगा ये, अच्छा इसका मतलब एक अच्छा खासा डैमेज होने वाला है, जहाँ भी आप मारोगे मतलब फायर टाइप का निकलेगा। इसकी रेंज थोड़ी सी लंबी हो गई है भाई साहब, ये एक मतलब बुलेट बट जब इसको बंदे को पड़ी ना वो कंफर्म नाक हो जाएगा, इसका डैमेज आपको बहुत ज़्यादा कति मिलने वाला है, क्योंकि ये मतलब फायर देती है और मतलब इसका मतलब स्नाइपर टाइप को इसको टक्कर देने वाली होगी। तो जैसे आप क्रॉसबो की रेंज होगी इस टाइप की, ये भी इस टाइप की रेंज होने वाली है। तो यार जो नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करें वो बहुत अमेजिंग होने वाली, क्योंकि 2.0 के मैं अपडेट में आना था तो नहीं आया, मेबी 2.1 के अपडेट में आ जाए। आपको तो पता है पिकअप मतलब मेडकिट सेल्फ रिवाइव, ये बोल सकते हैं जो मतलब सेल्फ रिवाइव वो होता है, मतलब अगर आप अकेले हो, अगर आपके पास सेल्फ मतलब किट होगी तो ऑटोमेटिकली साहब यहाँ पर मैं अपने आपको ना करता हूँ, अभी आपको किसी टीममेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सिंपली आप खुद से रिवाइव हो सकते हो। अगर किट सिंपली आपने सिर्फ यूज़ करनी है मतलब बैकपैक से, तो आप इजीली अपने आप को रिवाइव दे सकते हो, ये तकरीबन 9 या 10 सेकंड का होगा, इजीली आप इसे खुद का रिवाइव कर सकते हो। ये अच्छा एक फीचर होने वाला है 2.1 के अपडेट में, तो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये भी फीचर बहुत मज़े का होने वाला है, ग्रेनेड लॉन्चर। अगर ग्रेनेड के आपके मतलब इतनी रेंज नहीं होती, मतलब आप जितना कुक कर सकते हो आपकी रेंज होती है सिंपली सिर्फ उतना जाता है। ये 2.0 के अपडेट में मे भी आए, गेम ऑफ पीस का मूड है ये, मतलब जो स्मोक ग्रेनेड होता है सिंपली इसे आपको गन में रीलोड करना है, और जहाँ भी आपका टीममेट अगर रॉक है इजीली मतलब उसके ऊपर मतलब ग्रेनेड स्मोक ग्रेनेड फेंक सकते हो और अपने आप टीममेट को रिवाइव दे सकते हो। ये बहुत अच्छा फीचर होने वाला है, ये उसकी रेंज भी थोड़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है, देख लें आप मतलब टीममेट को रिवाइव करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट ये होने वाला है। तो कैसा लगा फीचर तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। एंड नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करें, नेक्स्ट फीचर बहुत अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि हर बंदे को इस फीचर का इंतजार होने वाला था, क्योंकि यार आपको पता है बहुत सारे बंदे इस गेम को छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि पबजी में इतने अजीब था, मतलब जो बंदे पहले खेलते थे वो अब नहीं खेल रहे, क्योंकि पबजी के कुछ नए फीचर्स आ रहे हैं, हर चीज़ पबजी चेंज कर रही है, अजीबो गरीब गेम कर रही है, तो काफ़ी बंदे डिसहार्ट की वजह से मतलब गेम छोड़ रहे हैं, कोई बंदे मतलब उनके पेपर्स हो रहे हैं, तो मतलब काफ़ी बंदे पबजी को भी नुकसान हो रहा है। मतलब देखें कि जो बंदे ओल्ड पबजी थी और न्यू पबजी में सब डिफरेंस है, आपको पता है सब बंदे मतलब ओल्ड पबजी को पसंद करते थे, तो पबजी ने सोचा इसका मतलब नया मैप लाया जो 2.1 के अपडेट में आई थिंक आ जाएगा, जो ओल्ड पबजी की तरह होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। यार आपको तो पता है इस टाइप की हमारी ओल्ड पबजी की लॉबी होती थी, और जो बंदे पुराने सीजन के खेलते हैं, तो तकरीबन मैं भी यार बहुत पुराना खेल रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हो इस टाइप की हमारी मतलब स्पॉन आइलैंड की लॉबी होती थी, इस टाइप का हमारा मतलब ये लॉन्ग हर चीज़ मतलब कितना मतलब डार्क मूड था, क्या मज़े थे भाई साहब। यार देखो मतलब
मतलब हर बंदे के कंट्रोल भी बस पूरे ही थे, जो बस हर बंदे ही मतलब इतना खेलने वाला नहीं था, मतलब मज़ा आता था खेलने में यार काफ़ी हमारे टीममेट्स से। तो मतलब अब तो यार हर बंदा ही मतलब गेम छोड़ के जा रहा है, मतलब कुछ नहीं, मतलब पबजी भी अजीबो गरीब बना रही है, कोई समझ नहीं लग रही है। बस ये 2.1 के अपडेट में आई थिंक हमारे पास ओल्ड पबजी आ जाएगा, तो इंशाल्लाह हम बहुत मज़े होने वाले हैं, तो बहुत मज़ा आएगा 2.1 के अपडेट में। तो कौन कौन से आपको फीचर लगे इसमें से प्यारे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस यार आज के लिए इतना है, मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।